इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे में जिला मेरठ के अलाइनमेंट को लेकर किसानों में आक्रोश है और उन्होंने जितने भी गांव से होता हुआ, मेरठ जिले के गांव से होता हुआ जो गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा, सभी गांव के लोगों ने मीटिंग की है और इस पर जांच करने के आदेश दिए हैं कि ये अलाइनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर जो है अखबार में एक आज न्यूज़ छपी है और मैं आप लोगों को डिस्प्ले पर एक न्यूज शो कर रहा हूँ। बदला जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट। पंचायत में ग्रामीणों ने लगाया मुस्लिम बहुल गांव को जोड़ने का आरोप, सोमवार को डीएम कार्यालय पर पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। हिंदू बहुल दर्जन भर गांव के लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रशासन अधिकारी हिंदू बहुल गाँव को हटाकर मुस्लिम समुदाय के गाँव को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में भाजपा नेता के नेतृत्व में गांव में जनसंपर्क किया गया। भाजपा नेता अशोक धनोटा के नेतृत्व में शुक्रवार को खड़खड़ी गांव में दीपांशु के मकान पर पंचायत हुई। इसमें खंदावली, धनोटा, खानपुर, नगरापुर, बिजोली, बधोली, खासपुर गांव के किसानों ने भाग लिया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन अधिकारी हिंदू बहुल गांव को हटाकर विशेष समुदायों के गांव को जोड़कर अलाइनमेंट कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जिन गांवों का अलाइनमेंट हो चुका है, गंगा एक्सप्रेसवे वहीं से जाना चाहिए, बदलाव होने पर आंदोलन किया जाएगा। अशोक धनोटा ने बताया कि वह इस मुद्दे पर गाँव जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। सोमवार को मांगे डीएम के संपर्क से रखा जाएगा। राम किशन प्रधान, महेश त्यागी बधोली, दीपांशु राजेंद्र खंदावली, सुंदर खानपुर, मांगेराम सैन नगला मौजूद थे। दोस्तों, ये मैंने आपको न्यूज़ बताई है जो आज आपके न्यूज़पेपर में छपी है और अलाइनमेंट को लेकर गंगा एक्सप्रेसवे के इसमें लोगों में आक्रोश है और इस पर जो है सोमवार को जो है डीएम डिस्ट्रिक्ट मेरठ डीएम से भी मीटिंग रही है कि हम इस पर पूरी की पूरी जांच की जाएगी, क्योंकि जो अलाइनमेंट पहले हो चुका है और 4 महीने से अलाइनमेंट हो चुका है और अब भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होना है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, चर्चा में ये है कि अलाइनमेंट जो है मेरठ का जो है वो चेंज किया जा रहा है। इसी बात को लेकर किसानों में आक्रोश है। अखबार में न्यूज़ छपी है और सोमवार में जो है डिस्ट्रिक्ट मेरठ डीएम से किसान मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और फिर फाइनल पता चलता है क्या ये सच में ही अलाइनमेंट चेंज किया जा रहा है या अलाइनमेंट जो है वो का वही रहेगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जिसमें का अलाइनमेंट चेंज होगा या नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत